जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड में जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, सभी ट्रेड से उनका यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। आपकी जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है, मतलब कि जो आपकी पात्रता सूची है, वह यहाँ पर पब्लिश कर दी गई है और इसमें सभी ट्रेड का है। लगभग इसमें 300 पेजेस है, तो आप अपना अपने ट्रेड का नाम जरूर चेक कर लीजिएगा। उसी के साथ में आप अपना नाम भी यहाँ पर आगे चेक कर पाओगे। यह PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको यह PDF मिल जाएगा। अब बात करें रिक्रूटमेंट कौन सा था, तो देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही, लगभग 1 से 2 महीने पहले आपकी एक रिक्रूटमेंट निकल के आई थी मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड के तरफ से। रिक्रूटमेंट नंबर था आपका 97/2023। अब इनमें क्या हुआ था, इसमें 3 साल के लिए आपको रखा जाता है, 3 वर्षों के बाद आपका 1+1 वर्ष करके आपकी जो है यहाँ पर नौकरी बढ़ाई जाती है, इंक्रीज़ किया जाता है, तो उसी का यह रिज़ल्ट है। अब इसमें ट्रेड की बात करें तो सभी ट्रेड का आया हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया कि लगभग 300 ट्रेड है और सॉरी 300 पेज है और इसमें सभी ट्रेड का यहाँ पर आप देख सकते हो। कारपेंटर का देखने को मिल जाएगा, आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो आपको आगे फिटर आदि सभी ट्रेड का देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इनमें सेलेक्ट हो गए उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। अच्छा, एक लिस्ट के बारे में बताओ, तो सबसे पहले आपको आपका नाम देखने को मिलेगा, उसके साथ में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और इसी के साथ में आपको आपके ट्रेड का नाम भी देखने को मिलेगा। आगे जिन्होंने शिप बिल्डर से यहाँ पर अप्रेंटिस की थी उनका भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि नो शिप बिल्डर्स एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर इन्होंने नॉट एलिजिबल लिख दिया है, यह एलिजिबल नहीं होगे। इसी के साथ में आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको सभी ट्रेड का देखने को मिल जाएगा। इसमें अपना अपना नाम चेक कर लीजिएगा, इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश थे कि आपको अब आगे क्या करना है उसको पहले जान लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि उम्मीदवारों की पात्रता उनके द्वारा उनके आवेदन पत्र में की गई घोषणा के आधार पर है। मतलब आपने जब अप्लाई किया था उसमें आपने जो भी बताया था उसी के आधार पर आपको यहाँ पर पात्र ठहराया गया है। उम्मीदवार से अनुरोध है कि ट्रेड कौशल, मतलब कि आपका जो स्किल टेस्ट होना है, तो परीक्षा में बैठने से पहले विज्ञापन में उल्लेखित योग्यता को एक बार फिर से पढ़ ले। आगे ट्रेड कौशल, आपका जो स्किल टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट में पहले दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी। मतलब पहले आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। इसके बाद में भर्ती किसी भी स्तर पर अगर यहाँ पर आप अवेलेबल नहीं पाए जाते हो, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो गलत है, तो यहाँ पर आपको निरस्त भी किया जा सकता है। आगे इन्होंने बताया कि उम्मीदवार जो अयोग्य पाए गए हैं वे ईमेल के माध्यम से 14/9/2023 तक अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति के साथ प्रतिनिधित्व कर सकते होगा। तो यहाँ पर वो विद्यार्थी जिनको अयोग्य ठहराया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, तो आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रोसेस बताई है। आगे देखिए 14/9/2023 के बाद प्राप्त अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा, तो आपको 14/9 से पहले पहले यह कर देना है। छठवां पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि उन पदों के लिए ट्रेड कौशल, आपका जो स्किल टेस्ट है, परीक्षा कार्यक्रम जहाँ केवल ट्रेड कौशल टेस्ट आयोजित किया जाना है अलग से प्रदर्शित किया जाएगा। तो आपका जो ट्रेड टेस्ट होना है, ट्रेड टेस्ट के बारे में यहाँ पर लिस्ट जारी की जाएगी कि कहाँ कहाँ आपका ट्रेड टेस्ट होना है, आपका जो सेंटर है वो क्या रहेगा, इसकी भी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। आगे इन्होंने बताया कि जिन पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जानी है, उनके लिए ऑनलाइन परीक्षा अस्थायी रूप से 1/10/2023 रविवार को निर्धारित की गई है। ठीक है, तो जान लीजिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। लेकिन यह एलिजिबिलिटी लिस्ट आपकी आ चुकी है, अगर आप इसमें तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कीजिए। आपके पास लगभग 2 महीने का समय है। इसी के साथ में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपका जो भी ट्रेड है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जहाँ से आप एक अपनी तैयारी को बेहतरीन वे में कर सकते हो। और यह PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अपना नाम ज़रूर से चेक कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस बता दी गई है। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।